स्वागत है आपका सुनो समाचार में। सारण जिला के पैगंबरपुर से जनता बाजार होते हुए सिवान जिला के सिकटियां तक हो रहे मुख्य सड़क निर्माण का निरीक्षण महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र सिंह, पथ परमंडल छपरा के कार्यपालक अभियंता साधु शरण, SDO, JEE वगैरह को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर भाजपा के अजय राय, चतेंद्र नाथ सिंह, वीरेंद्र पांडे, पप्पू सिंह, नीलेश कुमार सिंह, पंकज कुमार वगैरह उपस्थित थे। क्षेत्रीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए सुनो समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या इंक्वायरी किया है? देखिए, अभी आज सिकटियां से लेकर के और पैगंबरपुर तक का पथ एक महत्वपूर्ण पथ था जी, और इसकी चौड़ीकरण न होने की वजह से काफ़ी लोगों की परेशानी थी। आज वह परेशानी दूर होने का दिन आ गया है। यह रोड बन रहा है, करोड़ रुपये के लागत से बन रहा। पहले डाइवर्सन में लोगों को दिक्कत होती थी, पहले धूल भी काफ़ी उड़ता था, लेकिन पानी भी आया ऊपर से भी और नीचे भी। अभी जो फिर मटेरियल जो गिरा है इसके वजह से थोड़ा धूल कमी है, लेकिन अभी मैंने अधिकारियों को बताया है, यहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, स्क्रिप्टिव इंजीनियर हैं, उनके टीम के लोग हैं। मैंने इसके बारे में इस विभाग के प्रधान सचिव को मैंने कहा था, और उसके बाद यह जाँच टीम के रूप में है। तो ये पूरा आज काम जिस लेवल से होना चाहिए वह रफ्तार अभी बढ़ा है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी भी कम होगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि किसी भी स्तर पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं की जाएगी। क्वालिटी में जो भी अगर दखलंदाजी करेगा, जो भी अगर उस मापदंड के अनुसार काम नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर जो पैमाना बना है सख्ती से कार्रवाई की, वह सख्ती से कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई में चाहे वह कंट्रेक्टर आए और चाहे उस कार्रवाई में इंजीनियर आए, उसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा। यह कोई अंतिम टीम नहीं है, इसके बाद भी टीम के अलग अलग व्यवस्था है विजिलेंस से लेकर के ऊपर तक। लेकिन मैं आज जो टीम आई है और टीम के आने के सूचना के बाद जो प्रोग्रेस हुआ है, हमें लगता है कि यह प्रोग्रेस और आगे निरंतर बढ़ते रहे, जिससे कि लोगों को सुविधा में कोई खलल ना हो। सर, ये NH होने वाला था क्या? अभी NH की ये बात पूरा यहाँ से पैगंबरपुर से लेकर के और एथी क्या ना हो सिवान तक का, लेकिन अभी उस एथी में नहीं है। अभी यह रोड चूँकि एकदम पतली रोड थी, यह रोड को एक RCD अपने लेवल से अपने स्टैंडर्ड से बना रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। पहले के ऐसा कुछ चौड़ीकरण हो रहा है, काफ़ी चौड़ा भी हो रहा है जी, और चौड़ा के अलावा आप देख रहे होंगे जितने बाजार हैं, बाजारों पर सब पर PCC हो रहा है जी, उसमें फ्लेवर ईंट लग जाएगा, और ईंट जब लगेगा तो उसकी माने चौड़ाई हमको लगता है 10 मीटर के लगभग चौड़ाई हो जाएगी जी, तो काफ़ी सुविधा लोगों को बढ़ेगी रोड से आने जाने में। लेकिन बनते समय चूँकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने सीधे सीधे या पहले भी अधिकारियों को कहा था कि भाई इससे परेशानी से आप मुक्ति दिलाएं। आज ये परेशानी से मुक्ति आने वाले दिनों में तो पूर्ण होगी, आज भी वह परेशानी से मुक्ति माने दिख रही है कब लोगों को होगी। ये सड़क कहाँ से कहाँ लग बन रही है? तो यह सड़क सिकटियां से लेकर के पैगंबरपुर तक बन रही है। एक महत्वपूर्ण जो NH है जी, NH 331 आज का नाम है, पहले 101 था, उसको यह जोड़ रही है। अच्छा। या सीधे पटना को भी लिंक जोड़ रही, सिवान से पटना को, नंदा बाजार से पटना को भी जोड़ रही जी। आज आगे पैगंबरपुर होते हुए सीधे लोग पटना वाले रोड को पकड़ेंगे। या एक समझिए कि एक पटना के लिए भी एक ब्रांच रोड हो गया, छपरा के लिए भी हो गया, सिवान के लिए हो गया जी। एक महत्वपूर्ण रोड या कई एक रोडों को कनेक्ट कर रही है, इधर एकमा को कर रही है, इधर मशरक को कर रही है, कई एक यातायात में लोगों को इसकी सुविधा होगी, व्यापार भी इससे बढ़ेंगे और लोगों को आने जाने में काफ़ी आसान भी होगा जी। धन्यवाद सर।